हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, हो सकता है थोड़ा सा इस वीडियो में आपको थोड़ा वॉल्यूम, यानी कि मेरा गले में एक्चुअली इन्फेक्शन हो गया था तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, तो मेरी आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा वॉइस में चेंज लग सकता है हल्का सा। अभी भी पूरी तरीके से मेरा गला सही नहीं हुआ है, तो उम्मीद है इस वीक में सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। और वापस आ गए हैं अब, और गले ने अगर साथ दिया तो जल्दी अब ये बाकी चैप्टर्स में जल्दी जल्दी खत्म करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लेक्चर 1। ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे कि तुम लोग देखते होगे गांव वगैरह में, यहां पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आयुर्वेदा की, है ना। आयुर्वेदा सब लोग जानते हो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, है ना। तो ये सब क्या है, एक्चुअली पुराने टाइम पर हम लोग जो जड़ी बूटी टाइप के, आज भी चले जाओ आदिवासी इलाकों में चले जाओ तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते जल्दी, वो लोग जंगल में से ही जड़ी बूटी लेके आते हैं और उससे अपना इलाज करना पसंद करते हैं और इलाज करते हैं। साउथ साइड चले जाओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे पारंपरिक हैं, ठीक है, तो उनमें चार हमारे कोर्स में दे रखे हैं। सबसे पहले आयुर्वेदा, फिर कह रहा हूं यहां पर जो है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, हमको यहां पे प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है। किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में। हिस्ट्री और इधर उधर की बातें थोड़ी सी हम नहीं करेंगे, हिस्ट्री पढ़ने को यहां नहीं कहा गया, बेसिकली प्रिंसिपल को लेकर टारगेट किया गया है। अपने आप में हिस्ट्री एक बहुत बड़ा अलग से टॉपिक हो जाएगा, खैर हम वहां फोकस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक प्रिंसिपल से। तो आओ देखें क्या बोलता है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पेन की मार्किंग सेट कर लें थोड़ी सी। ओके, तो देखो क्या कह रहा है ये ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल जिन लोगों को मीनिंग नहीं पता वो लिख लें पारंपरिक। कैसे लिखा जाता है? पारंपरिक या पारंपरिक, पारंपरिक होता है, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी वीक है मेरी, गलत लिखा हो तो देख लेना। पारंपरिक ना, जो हमारी मतलब एक तरह से कह लो कि जो हमारी परंपरा पारंपरिकत जो होती है, ठीक है, समझ गए होगा आप लोग वो क्या कहते हैं। कह रहा है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो नोन एज फोल्क्लोर सिस्टम। इसका एक और नाम है फोल्क्लोर, है ना, मतलब कि एक और नाम, जैसे है ना घर का, एक घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, बच्चे का घर में कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, वैसे इसका एक और नाम है फोल्क्लोर सिस्टम कहा जाता है इसको। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ऑब्वियसली बात है, देखो जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमंस अलग अलग जगह पे थे। कहानी जो अगर बिग बैंग थ्योरी को मानते हो, ठीक है, अगर इस बात को नहीं मानते हो कि हमको गॉड ने मतलब ऊपर से, जो भी जिस भी धर्म का है हर कोई अपने धर्म के हिसाब से मानता है कि भगवान ने हमको एज इट इज ऊपर से नीचे भेज दिया, अगर इस बात को मानते हो तो एक अलग बात है। अगर इवोल्यूशन को मानते हो तो जो इंसान का इवोल्यूशन हुआ, मतलब एक वानर से हम लोग इंसान बने, तो वो अलग अलग जगह पे फैलते गए। और आज भी तुम देख लो डिस्कवरी वाले चैनल अगर देखते हो तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना इलाज खुद करते हैं। छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर कुत्ता जो होता है गली में देखा होगा कई बार, उसको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो घास खाता है। नोटिस किया कभी किसी ने? नहीं किया होगा, अब क्या देखना, कभी देखना कुत्ता घास खा रहा है फिर उल्टी कर देता है, उसे पता है घास खाने से मुझे उल्टी होगी, यानी कि उसे पता है कि मेरे को पेट का कोई चीज हजम नहीं हो रही है तो घास खाऊंगा उल्टी हो जाएगी, मेरा हाजमा ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब जानवर जिनका दिमाग हमसे बहुत कम है, हम लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो लोग जब अपना इलाज खुद कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ इंसान की उत्पत्ति होती रही, उत्पत्ति इन द सेंस जैसे जैसे इवॉल्व होते रहे, जो जिस इलाके में था उसने अपना अपना क्या किया, तरीके इजाद किए। इसीलिए हर कंट्री का, हर जगह का अपना खुद का ही एक तौर तरीके हैं किसी चीज को ठीक करने के, ठीक है ना। हैज इट्स ओन वे, खुद के तरीके ऑफ एलिंग द कम्युनिटी, एलिंग मतलब ठीक करना, बीमार को ठीक करना। द ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर देयरफॉर, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इसलिए आल्सो नोन एज इंडिजिनस रेमिडीज। इंडिजिनस मतलब होता है देसी और रेमिडीज मतलब इलाज, देसी इलाज है ये, ठीक है ना। इंडिजिनस लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, इंडिजिनस मतलब देसी, रेमिडीज मतलब इलाज। तो ये एक तरह देयरफॉर नोन एज इंडिजिनस रेमिडीज, देसी इलाज कहा जाता है इसको, है ना, सुना होगा सब लोगों ने देसी इलाज। आगे आते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैव यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है फॉर सेंचुरी, सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं।
एंड सर्टेन एंशियंट मेडिसिन सिस्टम. सर्टेन मतलब कुछ निश्चित, एंशियंट मतलब पुरानी. मेडिसिन सिस्टम आर स्टिल पॉपुलर, आज भी पॉपुलर है, यूज इन देयर कंट्री रीजन. हर एक कंट्री में एक पुराना तौर तरीका ठीक करने का आज भी फिक्स है. जैसे कि खांसी होती है तो घर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, लौंग और काली मिर्च वगैरह ये लेकर के शहद के साथ बच्चे को चटा देते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं, या अदरक का रस मिला के डाल देते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं, हमको पता है इससे होगा. तुलसी होगी तो तुलसी लेकर निकाल लेते हैं चाय. तो ये क्या बेसिक, ये हर किसी में आज भी पॉपुलर है, किसी जमाने में शुरू हुआ होगा और आज भी चल रहा है. डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों डेफिनेशन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अब बड़ी एक तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज में हो तो एक डेफिनेशन या कोई एक विशेष डेफिनेशन पर नहीं टिकना है हमें, ठीक है ना. कोशिश करना है अगर WHO की डेफिनेशन मिल जाए तो सबसे अच्छी है, अदरवाइज एक या दो डेफिनेशन दे करके मामला निपटा सकते हो अगर डेफिनेशन की बात आती है तो. क्या कह रहा है WHO, द हेल्थ प्रैक्टिसेस. हेल्थ प्रैक्टिसेस मतलब प्रैक्टिस है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं डॉक्टर को जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने मतलब जो इलाज करते हैं. द हेल्थ प्रैक्टिसेस अप्रोचेस तौर तरीके नॉलेज ज्ञान बिलीफ और जो हम लोग मानते हैं बिलीफ इन कॉर्पोरेटिंग प्लांट्स और जो पौधे हैं एनिमल्स एंड मिनरल्स बेस्ड मेडिसिन. तो सीधी बात कर रहा है द हेल्थ प्रैक्टिसेस अप्रोचेस नॉलेज एंड बिलीफ इन कॉर्पोरेटिंग प्लांट्स एनिमल मिनरल बेस्ड मेडिसिन स्पिरिचुअल थेरेपीज. स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, आज भी देखो क्या कहा जाता है, कोई अगर टेंशन में बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर फिल्म वगैरह में देखते हो डॉक्टर कहता है जाओ शिमला मनाली चले जाओ, मतलब शांत में रहो थोड़ा सा ना, जहाँ ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा हो, तो स्पिरिचुअल आ गया, ठीक है ना, या शांत इलाके में बैठो ध्यान लगाओ योग लगाओ, ठीक है. मैनुअल टेक्निक, मैनुअल मतलब जो खुद हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड एक्सरसाइज वगैरह कुछ होती है. अप्लाइड सिंगुलरली, या तो हम किसी सिंगल पे अप्लाइड करें, मतलब इनमें से कोई एक तरीका अकेला इस्तेमाल करें या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें. एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, एनिमल बेस्ड कुछ हम लोग को दवाई भी दे रहे हैं या प्लांट बेस्ड कुछ दवाई भी दे रहे हैं, एक साथ कई सारे तरीके हम लोग अपना रहे हैं टू ट्रीट, ठीक करने के लिए, डायग्नोस जांचने के लिए क्या बीमारी है, एंड प्रिवेंट रोकथाम करने के लिए किसको बीमारी को, और मेंटेन वेलबींग या कोई इंसान स्वस्थ है तो स्वस्थ बना रहे, ठीक है ना. तो ये डेफिनेशन निकल के आती है, इसको याद कैसे करोगे, कुछ बातें हैं, जैसे सारी बातें ना याद रहे तो कोई बात नहीं, कुछ बेसिक बेसिक हमें क्या क्या याद रखना है. हेल्थ प्रैक्टिस हमारा अप्रोच नॉलेज प्लांट्स एनिमल्स मिनरल्स के द्वारा मेडिसिन स्पिरिचुअल थेरेपी मैनुअल टेक्निक, हाथ से है ना हड्डी हड्डी को ठीक कर देते हैं लोग तोड़ मोड़ के पुराने वाले जो होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह हैं. अप्लाइड सिंगुलरली, इनमें से इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ तक तो हो गया, इसके इनमें से कोई एक चीज़ अकेली इस्तेमाल करी जाए, है ना. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो वो होते हैं वैद्य जी होते हैं, हड्डी मुड़ी हुई थी टूटी हुई थी ठीक कर दी, फिर इसके ऊपर क्या लगाते हैं गर्म हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं, तो दो चीज़ें मिक्सअप होगी, एक तो उन्होंने हाथ से इस्तेमाल किया और हल्दी का लेप लगा दिया. अकेला इस्तेमाल किया जाए कॉम्बिनेशन में, ये सब ये इतनी जो बातें हैं कंबाइंड होकर के क्या कहलाती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन कहलाती है. क्या कहलाती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो अगर ट्रेडिशनल सिस्टम की मैं बात करूं तो हमारे पास चार टाइप के कॉमन हैं बहुत ज़्यादा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी. तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी को तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, ठीक है. इवन ये तीन, यूनानी की बात कर लें जो हम लोगों का बहुत बड़े लेवल का टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नीट का एग्जाम, है ना, उसमें आयुर्वेदा होम्योपैथी, एक एलोपैथी होती है MBBS, उसके तो यहाँ बात नहीं हो रही क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं माना जाता है. तो होम्योपैथी आयुर्वेदी और यूनानी इनकी भी सीटें फिल की जाती हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा. होम्योपैथी और आयुर्वेद का तो पता होगा, यूनानी की भी सीटें होती हैं कुछ, ठीक है ना. तो एक्चुअली है क्या, लोग यहाँ जाना पसंद क्यों नहीं करते, ऑब्वियसली बात है MBBS करते हैं उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम में लोग जल्दी जाना पसंद नहीं करते. क्यों, मेरे सर में दर्द हो रहा है 10 घंटे में आराम मिलेगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तुरंत आराम चाहिए, मेरे को काम करना है, तो मेडिसिन खाओ 5 मिनट में आराम. तो आज के टाइम पे आदमी क्या कहता है, तुरंत आराम चाहता है, परमानेंट इलाज वो बाद में सोचेगा. ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमको परमानेंट इलाज देती हैं, ठीक है. आगे आते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, आयुर्वेदा से, ठीक है ना. आयुर्वेदा द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा अपनी इंडिया की है, ठीक है. आयुर मीन्स लाइफ, आयुर का मतलब लाइफ होता है, और वेदा मीन्स साइंस, वेदा का मतलब क्या है, साइंस. अच्छा अब क्या है, उस समय तो साइंस वर्ड नहीं रहा होगा, उस समय के शब्दों को आज के शब्दों से मिला दिया गया है कि उस समय जो शब्द रहे होंगे वो आज के शब्द से कैसे मतलब रहा होगा. तो आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स साइंस,
दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 BC अगो, ठीक है ना। दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अबाउट लगभग 900 BC पहले आ गई थी। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अच्छा ये डेट ना वेरी करेगी, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये डेट हर जगह गूगल से लेकर के हर जगह वेरी करती है। तो एक काफ़ी जो बेस्ट मेरे को लगा वो डेट मैंने यहाँ डाली हुई है, तो ये डेट वेरी कर सकती है क्योंकि इसके कोई ऑथेंटिक प्रूफ इसका कहीं पे भी मौजूद नहीं है कि एग्जैक्टली कब, एक आसपास का डेट चलती है, ठीक है। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज द ओल्डेस्ट रिटन मेडिसिन सिस्टम, सबसे पुराना रिटन मेडिसिन सिस्टम है, रिटन मतलब जो लिखा गया था, एंड इन सर्टन केसेस इट इज इवन एज्यूम टू बी मोस्ट इफेक्टिव देन मॉडर्न मेडिसिन। ऑब्वियस बात है आजकल लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, है ना, तो कई सारी जगहों पर ये आजकल एज्यूम माना जाता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के कंपैरिजन में। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो किसका होता है, प्लांट ओरिजिन के होता है, मतलब प्लांट से निकाली गई दवाइयों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। आयुर्वेदा हैज 8 डिवीजन, इसके 8 पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। काया चिकित्सा जिसके अंदर हम दवाइयों की बात करेंगे, ठीक है। शल्यक्रिया जिसके अंदर हम ENT नाक गला कान और ओप्था आंखों की बात करेंगे। शल्य सर्जरी, जहां सर्जरी की बातें आती हैं वहां शल्य वर्ड इस्तेमाल होता है। वीसा विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, अगर जहर वहर खा लो तो उसके इलाज के लिए जो एक ब्रांच बनी है उसको वीसा विज्ञान कहा जाता है। भूत विद्या, ठीक है ना भाई, साइकेट्री है ना, लोग पागलों जैसी हरकतें करते हैं तो उसको भूत विद्या कहा जाता है, ठीक है। कौमार भारतीय पेडियाट्रिक्स, बच्चों वाला, ठीक है। रसायना रिज्यूविनेट्स, वापस से किसी के अंदर जान डालना, मतलब कोई कमजोर हो गया बहुत ज़्यादा उसे फिर से वापस वो करना, जान डाल के उसे ताकतवर बनाना। वजीकरण एफ्रोडाइसिक, अंदर एक तरह से कह सकते हो एफ्रोडाइसिक मतलब जो अंदर उत्तेजना पैदा करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट को जो आजकल हम लोग साइंस में बात करें तो ये कहते हैं, और आयुर्वेदा में बात करें तो ये 8 चीज़ें हैं। इस तरह से 8 पार्ट में इसको क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। क्लियर है बातें यहाँ तक, चले आगे। ओके नाउ अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल पे आते हैं सीधा सीधा कि प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा कंप्राइज, मतलब किन सिद्धांतों पर काम करता है ये। जैसे कि हम लोग उसकी बात करें, एलोपैथी की बात करें अगर, तो उसमें क्या होता है कि सर में दर्द है अगर, तो हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, कारण, ठीक है ना। हाथ में दर्द है तो नस का वजह से है, हड्डी टूटी किसकी वजह से, कारण। तो जो कारण है, कॉज है ना, वही कहीं ना कहीं प्रिंसिपल में तब्दील हो जाते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, इसका मतलब त्रिगुणा है ना, थ्री फंडामेंटल यूनिवर्सल एनर्जीज, इसके अंदर एनर्जीज आती हैं सात्व रजस एंड तामस, सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे अभी, ठीक है। पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, हमारी जो शरीर है पांच चीजों से मिलकर बना है, आकाश स्पेस वायु एयर, तेजा और अग्नि, जल वाटर एंड पृथ्वी अर्थ, ठीक है ना। किन सिद्धांतों को लेकर चल रहा है, वो मान के चल रही है कि तीन टाइप की एनर्जीज हैं, सत्व राजस तामस, ठीक है ना, पांच महाभूत हैं आकाश वायु ये, ठीक है, जो हमारी बॉडी जिनकी बनी हुई है। थ्री बॉडी ह्यूमर, ह्यूमर मतलब हमारी बॉडी में पाए जाने वाला फ्लूइड, हमारी बॉडी में एक क्या होता है, सेल के अंदर पानी होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, याद है, प्लाज्मा होता है, वैसे ही ये तीन ह्यूमर की बात करती है, जिसको त्रिदोषा के नाम से जाना जाता है। त्रिदोषा क्यों कहा गया इसे, त्रायदोषा या त्रिदोषा, इनके बिगड़ने से हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, वात पित्त और कफ, कफ वात पित्त है ना, पित्त कहाँ पाया जाता है, पित्त मतलब जो पित्त होता है हमारा, ठीक है। तो अभी इनकी डिटेली आने वाली है, धीरे धीरे समझेंगे इसे। तो त्रायदोषा आ गया, द सप्त धातु, सात धातु, सेवन टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज, अगर बॉडी टिश्यूज की बात करें तो देखो कौन का बॉडी टिश्यू, अगर हम बात करें, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद हमारे पास आता है ये फैट टिश्यूज, अलग टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे बॉडी टिश्यूज क्या है, रसा फ्लूइड धातु, ठीक है, रक्त धातु यानी कि रस धातु, फ्लूइड धातु, धातु मतलब टिश्यू, ठीक है, रक्त धातु, ममस धातु, मेदा फैट धातु, अस्थि धातु,
ठीक है, अस्थि मज्जा जो अपना होता है, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। तो ये सेवन टाइप के टिश्यूज में हमको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है कि ये सेवन टाइप के टिश्यूज होते हैं, अभी इनकी डिटेलिंग आगे आएगी, ठीक है। फिर आता है द त्रायोदोष अग्नि, ठीक है ना, 13, ये त्रायो है, ये ट्राई था, ट्राई मतलब तीन और त्रायो मतलब 13, 13 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर्स, यानी कि सबसे ज्यादा ताकत ही लगती है, विज जठराग्नि, इसे गैस्ट्रिक फायर जो हमारे पेट में जो आग को कहा गया है, सप्त धत्वाग्नि एंड पंचभूताग्नि, ठीक है ना, इसकी डिटेलिंग अभी हम करेंगे। इसमें पांच होते हैं, एक में सात होते हैं, सात पांच 12 और एक एक, ये शायद एक होता है, इसमें शायद सात होते हैं, इसमें पांच होते हैं, समथिंग देखेंगे, अभी डिटेलिंग आने वाली है। द त्रिमालस, मालस मालस मतलब जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट, पुरीसा फीसेस पॉटी मूत्र यूरिन एंड स्वेदा पसीना, है ना, 3 टाइप का वेस्ट। तो किन सिद्धांतों पे काम कर रही है वो सॉरी, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हो रहा है, जो आयुर्वेदा है वो अपना ट्रीटमेंट और इलाज करती है इन सिद्धांतों पर, इन सब चीजों को चेक करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या था हमारे पास, अच्छा यहाँ त्रायगुना है पंचमहाभूत, तो हम देख लेते हैं बारी बारी से, 6 है हमारे पास पंच महाभूत की, अब हम लोग क्या करते हैं डिटेलिंग लेते हैं थोड़ी सी। कह रहा है द 5 महाभूतास आर आकाश वायु अग्नि आप और जला एंड पृथ्वी विज, अगर मैं आकाश की बात करूं तो साउंड टच विजन टेस्ट स्मेल आर देयर प्रॉपर्टीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, साउंड टच विजन, यानी कि अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहें कि इनकी आकाश से क्या प्रॉपर्टी, वायु से क्या प्रॉपर्टी लेंगे, अग्नि से क्या प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है ना, तो ये इनकी क्या आ जाएंगी प्रॉपर्टी आ जाएंगी रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द पंच महाभूता, ठीक है। देखो ये जो थी साउंड टच विजन टेस्ट स्मेल, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, आकाश, आकाश का मतलब क्या है, स्पेस, हमारी बॉडी में जहां जहां स्पेस है वो प्रॉपर्टीज अलग चीज है, ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का आयुर्वेदा में, ठीक है। आकाश का मतलब स्पेस, हमारी बॉडी में जितना भी, जैसे नाक बीच में स्पेस है, ठीक है, कान के अंदर स्पेस है, हमारे पेट जो आते हैं उनमें जो स्पेस है, वो जितना भी स्पेस है उसको आकाश से कोरिलेट किया गया है। वायु, जहां जहां हमारी बॉडी में वायु है, ठीक है, उसको किससे, यानी कि एयर से कोरिलेट किया गया। तेजा और अग्नि फायर, जहां जहां पानी है वाटर एंड पृथ्वी अर्थ, जो हमारी ठोस चीजें होती हैं उसको क्या कहा गया है, पृथ्वी से कोरिलेट किया गया है। यानी कि देखो और डिटेलिंग लेते हैं थोड़ी सी इसकी। इन अ सिंपल सिंगल लिविंग सेल, अगर एक सिंपल एक सेल उठा लूं मैं, फॉर एग्जांपल द अर्थ एलिमेंट प्रीडोमिनेट बाय द गिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो सेल का स्ट्रक्चर होगा ठोस चीजें वो किसको कोरिलेट करेंगी, अर्थ को। द वाटर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का ध्यान रखना, जो वाटर का एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइटोप्लाज्म को, और द लिक्विड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी लिक्विड है वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। द फायर एलिमेंट रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना, जितनी मेटाबॉलिक मतलब जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें या तो एनर्जी दी जाती है, उनसे एनर्जी निकलती है, तो फायर अग्नि रेगुलेटिंग द सेल, ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेटिंग द सेल। व्हाइल द एयर एलिमेंट प्रीडोमिनेट द गैसेस देयर इन, जहां जहां गैसेस हैं, ठीक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एयर को। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सेल डोमिनेटिंग द आकाश, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, ठीक है ना, सेल के द्वारा, उसको क्या कहा गया है, आकाश कहा गया है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें ये, ओके आगे आते हैं, क्या कह रहा है। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये तो सर सिंगल सेल की बात, अगर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज ह्यूमन बींग, जैसे कि इंसान है उसकी बात करें अगर, तो फॉर इंस्टेंस आकाश कॉरेस्पॉन्ड टू स्पेस विद इन द बॉडी, ठीक है ना, देखो सिंगल सेल की बात हो रही थी वो, ठीक है, तो सिंगल सेल के हिसाब से स्पेस वो माना गया है जहां पर वो मौजूद है। मल्टी सेलुलर हम लोग जैसे बात करें तो स्पेस विद इन द बॉडी, माउथ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब हमारी नाक के अंदर, एब्डोमेन हमारा पेट, वायु डोनेट करता है मूवमेंट एसेंशियली मस्कुलर ऑल्सो नर्वस सिस्टम, वायु क्या है डोनेट करेगी हमारी मसल्स और जो हमारे नर्वस सिस्टम के मोशन को। अग्नि कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम से रिलेटेड बातें, कौन किसको कहा जाएगा, अग्नि को, जिसमें इंटेलिजेंस, ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सब आ जाएगा। जल इज इन ऑल बॉडी फ्लूइड, जल पूरी बॉडी फ्लूइड है, जल कहा जाएगा। प्लाज्मा, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती हैं? जो खाने को पचाने में हेल्प करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। एंड पृथ्वी मैनिफेस्ट, मतलब पृथ्वी किसको डिस्क्राइब करती है? इट्सेल्फ इन द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बोन्स, टीथ, फ्लैश, हेयर एट ऑल, और सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये देखो, ये मेरे पास अगर उन पांच की बात करूं तो ये सिंगल के लिए था, सिंगल सेल के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स के लिए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो किस तरीके से इन पांच चीजों को तुम्हें, ये दो पॉइंट तो पक्के से आयुर्वेदा में देने ही पड़ेंगे, कोई और तरीका नहीं है, नहीं याद करना पड़ेगा। कह रहा था पंच महाभूत देयरफॉर सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जितनी भी डायग्नोसिस हैं, जितने भी हमको जांच करने के तरीके हैं और जो ट्रीटमेंट है, उनमें क्या है, पंच महाभूता का फाउंडेशन लेके चलते हैं कि हाँ ये है, और इनमें कोई गड़बड़ होगी तो ये दिक्कतें आना स्टार्ट होगी। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, तौर तरीके, जितने भी तौर तरीके इन पंच महाभूतों में टिके हुए हैं, पंच महाभूतों के ऊपर इन आयुर्वेदा, एंड हैज सर्व्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल थ्योरी फॉर फिजिशियन टू, जो फिजिशियन है ना, उनकी जो थ्योरी है इन्हीं पांच महाभूतों पर टिकी हुई है, टू डिटेक्ट एंड ट्रीट इलनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड सक्सेसफुली। यानी कि वो लोग इन्हीं पांच महाभूतों को देख करके, जांच करके अपना डायग्नोस करते हैं और बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा मैंने बताया था गले का प्रॉब्लम है, तो आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई हो सकती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। दो सांस, देखो अभी तक हमने बात किसी की थी, केवल है ना, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत में कुछ याद ना रहे तो ये दो पॉइंट तुम लोगों को देने ही देने हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दो सांस। इट इज बिलीव दैट ऑल द प्रोसेस ऑकरिंग विद इन द बॉडी, जितनी भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, आर गवर्न्ड बाय द बैलेंस ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ दोसास। थ्री टाइप्स ऑफ दोसास को हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारी बॉडी बैलेंस करती है, और उसके आधार पर क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो डिसाइड होती है हमारी बॉडी में। जैसे कि वात, इट इज कंपोज्ड ऑफ एयर एंड स्पेस, ठीक है ना, वात को क्या कहा गया है, एयर एंड स्पेस को। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आएगा। एयर और स्पेस है ना, एयर और स्पेस, वहाँ पीछे वायु और आकाश हमारी बॉडी, मतलब अब देखो अब क्या करना है, अगर इसको और बिल्कुल समझना है, अब यहाँ पे बैक जाना है तुमको, पीछे स्पेस क्या कहा गया था, हमारी बॉडी में स्पेस क्या था, जो खाली जगह थी, और एयर क्या थी, जो गैसेस थी, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया हुआ, मतलब ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आएंगी, वत के अंदर, यानी कि वत के अंदर गड़बड़ी है, मतलब इन दो चीज़ों में गड़बड़ी है। बात समझ में आई? ऑल द मूवमेंट इन द माइंड एंड बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय इट, जितनी भी बॉडी माइंड में है और बॉडी में है ना, एयर का देखा था ना, उसमें क्या था, मसल्स का और नर्व्स का था। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा बताता हूँ मैं, तुरंत शायद याद ना आ रहा हो तुम लोगों को, ये देखो अग्नि, जल और स्पेस, वायु, मूवमेंट ऑफ एसेंशियली मस्क्यूलर एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, तो वही कह रहा है ये कि जितना भी मूवमेंट है माइंड का, बॉडी का, कंट्रोल बाय इट, वत के, वाता के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दस शुड बी मेंटेन्ड इन गुड बैलेंस। इसीलिए वाता को एक अच्छे बैलेंस में रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या क्या आ जाएंगी अगर गड़बड़ होगा तो, चिंता, इंसोमनिया, क्रैम्प्स एंड कॉन्स्टिपेशन आर द रिजल्ट ऑफ टू मच वाता। वाता अगर बढ़ गया तो चिंता बढ़ेंगी, इंसोमनिया, मतलब चिंता करने लगेगा इंसान बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कितनी भी टेंशन है चिंता करता ही नहीं है, उसका वाता बैलेंस रहता है अकॉर्डिंग आयुर्वेदा। ठीक है ना, इंसोमनिया, उसको चिंता है बाहर में जाएगा, मैं सोना है मेरे को, ठीक है ना। इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना। क्रैम्प्स, हाथ पैरों में दर्द या ऐंठन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है अगर वाता बढ़ जाएगा तो। इट आल्सो कंट्रोल ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है, वेस्ट एलिमिनेशन को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकलते हैं, ब्रीदिंग एंड मूवमेंट ऑफ थॉट्स अक्रॉस द माइंड, हमारे दिमागों में जो विचार चलते हैं उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है वाता। वाता मतलब एयर एंड स्पेस। ठीक है ना, थोड़ा सा अब यहाँ पर डॉक्टर गिरी करनी पड़ेगी, बार बार कोलेट करना पड़ेगा, अच्छा एयर स्पेस भूल रहे हो तो लिख लो पीछे से लेकर के, नोट्स तुम्हारे सामने मैंने बताया था कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में निकालो, तुरंत लिख लो, एयर किस चीज़ को डोनेट कर रहा है, स्पेस किस चीज़ को डोनेट कर रहा है,
पीछे से उठा के यहां लिख लोगे, ठीक है ना, जैसे कि स्पेस, आकाश करस्पॉन्ड टू स्पेस विद इन द बॉडी, माउथ, नॉस्ट्रिल एंड एब्डोमेन, यानी कि पेट, पेट यानी कि हमारी पाचन क्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती है, और वायु, ये दो चीजें किसके अंदर आ रही हैं, वाता के अंदर आ रही हैं। आगे आते हैं, इट एक्टिवेट द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हियरिंग, स्पीच एंड एक्सप्रेसेस देम इन द फॉर्म ऑफ एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली बात है, हमारा नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे सुनने की क्षमता, हमारी बोलने की क्षमता, हम जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसकी क्षमता, और जो एंथुसियाज्म है, जो एनर्जी है और क्रिएटिविटी है, वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। वात आल्सो कंट्रोल पित्त एंड कफ, ये पित्त और कफ को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अदर टू प्रिंसिपल, जो वात के अलावा अदर दो प्रिंसिपल है, एंड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द डिजीज, सबसे पहले गड़बड़ी इसी में आती है, उसके बाद ही गड़बड़ी तुम्हारी पित्त और कफ में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो आओ देखें पित्त में क्या है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ फायर एंड वाटर। अब देखो फायर का मतलब समझ गए होगे, डाइजेशन। पानी तो भैया सर्वे सर्वा है, पानी पीते रहो तो शरीर में आधी बीमारियां नहीं होती हैं, सबको पता ये बात है ना। गर्मियों में खासकर पी रहे हो पानी, नहीं पी रहे हो, कम से कम कितना है, 5-6 गिलास रोज पीना है, और सुबह उठ के तो पीना ही पीना है। सुबह उठ के जिसने 2-3 गिलास पानी पी लिया, समझो आधी बीमारियों से दूर है, हकीकत बात है ये, करके देखना। ऑल हीट, जितना भी मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द माइंड, जितना भी हमारे माइंड में तब्दीलियां आ रही हैं, बॉडी, माइंड एंड बॉडी कंट्रोल बाय पित्त। पित्त किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? हीट हमारी बॉडी की, गर्मी को, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हो रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द माइंड, हमारे दिमाग में जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड बॉडी आर कंट्रोल बाय पित्त, पित्त के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इट कंट्रोल्स फूड डाइजेशन, ये क्या कंट्रोल करता है, फूड के डाइजेशन को, हम जो खाया है वो पचेगा, कैसा पचेगा, ज़्यादा पचेगा, कम पचेगा, उसके मेटाबॉलिज्म ऑफ सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी मतलब जैसे कि इधर मैं इधर देख रहा हूँ, इधर मैंने कोई गर्म चीज़ छू ली तो मेरा हाथ एकदम से हट गया, तो ये सेंसरी हुआ, तो देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सब क्या है, सेंसरी है, ठीक है ना। तो सेंसरी परसेप्शन, सेंस करने की जो क्षमता है उसको भी क्या करता है ये, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेंसरी परसेप्शन, यानी इन सब को सेंसरी परसेप्शन के लिए जो रिएक्शंस होती है ना, उनको भी कंट्रोल करता है। अब मान लो गर्म चीज़ छुए हो, तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड जजमेंट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, और राइट और रॉन्ग के बीच में जजमेंट देता है ये। इट शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड इन गुड बैलेंस, इसको ऑब्वियसली बात है हर किसी को मेंटेन होना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। एंगर, क्रिटिसिज्म, बुराई, एक दूसरे की बुराई करना, अल्सर, रैशेस, लालपन पड़ जाता है, एंड थिनिंग हेयर, बालों पतला होना, रिजल्ट फ्रॉम टू मच पित्त। पित्त अगर ज़्यादा होगा तो देखो ज़्यादा होने से क्या दिक्कत आती है, उसमें भी लिखा हुआ था, और ये किन को कंट्रोल करता है, ये दो बातें अगर लिखोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, और क्या क्या ये कंट्रोल कर रहा है, और नहीं होने से क्या। तो ऑब्वियसली बात है, एक तरह से मतलब आयुर्वेद की टर्म में हमें समझना है, ऐसे और कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। कफ, इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, अर्थ एंड वाटर, 5 महाभूत कवर हो गए हमारे पास। इट सीमेंट द एलिमेंट इन बॉडी, बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सीमेंट्स करता है। सीमेंट होता है, सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ना। प्रोवाइडिंग द मटेरियल फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर, और हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठोसनेस। इट मेंटेन रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है। बॉडी रेजिस्टेंस मतलब रोग रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस किसके खिलाफ, बैक्टीरिया आ रहा है भाग यहाँ से, वायरस आ रहा है भाग जाओ यहाँ से, तो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो रहा है, रोग के खिलाफ, है ना। रेजिस्टेंस को हम यहाँ कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, उसको हमारी मेंटेन करके रखता है। इट कॉज जॉइंट लुब्रिकेशन, हमको सबको पता है हमारे जो जॉइंट होते हैं पैरों के, या जहाँ के जॉइंट है वहाँ पे फ्लूइड तेल जैसा भरा होता है जो हाथ पैरों को चलने में आसानी देता है, तो लुब्रिकेशन है ना। इट कॉजेज जॉइंट लुब्रिकेशन, जो जॉइंट के लुब्रिकेशन है वहाँ पे मेंटेन रखता है ये, वहाँ पे उनका लुब्रिकेशन की वजह ये भी होते हैं। प्रोवाइड मॉइस्चर टू द स्किन, स्किन को मॉइस्चर दे रहे हैं। हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, जो चोट लग जाती है उसको हील करने में हेल्प करते हैं। फिल्स द स्पेस ऑफ इन द बॉडी, बॉडी के बीच में जो स्पेस है उसको भरता है ये। प्रोवाइड बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जो हमारी जैविक मजबूती है कि हाँ हम जिंदा रहें, उसको मजबूत करता है। विगर हमारी ताकत है। स्टेबिलिटी सपोर्ट मेमोरी, हमारी मेमोरी को रिटेंशन यानी कि याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी भी देता है।
टू हार्ट एंड लंग्स एंड मेंटेन इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी की बात रेजिस्टेंस से आ गई, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस एक ही चीज है। तो इसमें से 8-10 चीजें दे रखी हैं, 4-5 याद रख लेना जो तुमको आसान लगे। सब याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं लकीर का फकीर नहीं बनना है। क्लियर है बातें? आओ आगे आते हैं, ये हो गया ना इधर पे, ओके आगे आते हैं। नाउ धातुस, धातु ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सप्ता सेवन धातुस टिश्यू एलिमेंट फॉर्म द पिलर ऑफ द बॉडी डेट फॉर्म द मीन्स ऑफ नरिशमेंट एंड ग्रोथ। ये 7 धातु हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और ताकत मिलती है, जो हमारी बॉडी के पिलर हैं, हमारी बॉडी जो टिकी हुई है, इस तरह से हम खड़े हुए हैं ठीक है ना, इसके पीछे 7 धातु हैं। एंड ग्रोथ, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है उन सब के पीछे कौन है, ये धातु हैं। तो आओ देखो, मैंने कहा था हम धातु की डिटेलिंग यहाँ करेंगे। रस धातु या फ्लूइड धातु ड्राइव फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, कहाँ से आता है भाई, जो खाना खाते हैं उसमें से अल्टीमेट, अगर तुम लोग को पता हो डाइजेशन, जो भी हम खाना खाते हैं आंतों में जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है भाई। हमारी आंतें सॉलिड कोई ठोस चीज़ को तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, जो भी खाया है वो पानी के रूप में जाकर के क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, हमारी आंतें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उस पानी में से एनर्जी खींचती हैं ठीक है ना। तो कहाँ से आ रहा है, पचे हुए खाने से आ रहा है। इट न्यूरिशेस ईच एंड एवरी टिश्यू, ये हर एक टिश्यू को न्यूरिश करती है, सारे सेल्स को न्यूरिश करती है ऑफ द बॉडी, बॉडी के, एंड इज एनालॉगस टू प्लाज्मा। हम लोग इसको जो फ्लूइड धातु को प्लाज्मा से कंपेयर करके देख सकते हैं आज की तारीख में। रक्त ब्लड, ब्लड को सब लोग जानते हैं क्या है, रिगार्डेड एज द बेसिस ऑफ लाइफ, बिना खून के तो लाइफ है ही नहीं, तो ये बेसिस ऑफ लाइफ है ठीक है, ओके ठीक है। इट इज एनालॉगस टू द सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स, ये इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सर्कुलेटिंग ब्लड सेल मतलब उस समय जो बात कही गई है आज की तारीख में, अगर जो इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग सारी बातें आजकल इंग्लिश में समझते हैं, तो सर्कुलेटिंग ब्लड सेल, जो ब्लड सेल घूम रहे हैं हमारे नाड़ियों में, हमारी वीन्स में, हमारी नसों में, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली नरिशिज द बॉडी, ये केवल बॉडी को ही नरिश नहीं करता, बट प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कलर टू द बॉडी, हमारी बॉडी का जो कलर है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको भी ये प्रोवाइड करवाता है। ममस धातु, ममस मतलब मसल्स टिश्यू, इट मेंटेन फंक्शन टू प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर द मेदा धातु, मेदा ठीक है ना, फैट, ये किसको सपोर्ट करता है, फैट को, फैट कहाँ जमा होता है, मसल्स में। अब देखो ब्लड का पता चल गया तो ब्लड के बारे में अंग्रेजी में लिख सकते हो ठीक है, रस प्लाज्मा के बारे में पता चल गया, प्लाज्मा जो काम करता है उसके बारे में लिख सकते हो, अगर याद है तो जरूरी यही वाले पॉइंट याद करके लिखो है ना, क्योंकि बात तो वही सारी बता रहा है वो। मेदा फैट, फैट क्या काम करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू अस्थि धातु। अब अस्थि धातु क्या होता है, हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मतलब बोन्स होती हैं, तो फैट किसको सपोर्ट करता है, अस्थि धातु को। इट आल्सो लुब्रिकेट द बॉडी, फैट जहाँ जहाँ पे होता है मतलब, तो बॉडी में एक्स्ट्रा जमा होता है, मोटे हो जाते हैं, अदरवाइज जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, वो क्या करता है, सॉरी लुब्रिकेट करने में काम करता है, जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। आगे आते हैं अस्थि धातु, अस्थि मैंने बताया बोन्स ठीक है ना, इंक्लूड कार्टिलेज, कार्टिलेज पता है ना, दो बोन्स के बीच में जो रगड़ ना लगे, तो एक खास टाइप का टिश्यू होता है, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन टू गिव नरिशमेंट टू द मज्जा धातु एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ममस धातु। मज्जा क्या होता है, येलो, जो बोन के बीच में धातु वो पाई जाती है ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, खाते हो नॉनवेज, कुछ लोग खाते होंगे, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा हड्डी के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, बोन मैरो हम इंग्लिश में कहते हैं, जो लोग खाते हैं वो लोग थोड़ा सा उनका आइडिया ज़्यादा होगा कि क्या जो होता है बोन मैरो क्या है। तो हड्डी, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारी, हड्डी देखो अंदर से खोखली होती है, बता दूँ मैं है ना, और फिर ये इस टाइप से याद आया, हड्डी ऐसी तो होती है जो कुत्ते को हड्डी देते हैं, बीच में खोखली होती है, यहाँ भरा होता है क्या, ये मैरो, बोन मैरो कहा जाता है, येलो भी होता है और रेड भी होता है ठीक है ना। डोनेटिंग द मज्जा धातु में क्या 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 आ रहा है, येलो और रेड बोन मैरो आ रहा है। इट मेंटेन फंक्शन इज टू फिल अप द अस्थि एंड टू ओलिएट द बॉडी ठीक है ना, अस्थि को यानी कि इसको क्या करना है, फिल करना है और बॉडी को ताकत प्रोवाइड करवानी है, यानी कि अगर आज की तारीख में अगर तुम लोग अच्छी नॉलेज होगी तो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो क्या करते हैं, येलो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में काम आता है, रेड बोन मैरो हमारा
क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। शुक्र धातु, द मेन एम इज टू रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो शुक्र धातु को किससे कंपेयर कर लेना है, रिप्रोडक्टिव से बस, और बाद बाकी जो उसके बारे में एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन कैसा कैसा होता है, इज टू हेल्प रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन द बॉडी, ठीक है ना, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में और स्ट्रेंथ बॉडी को ताकत भी देता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ समझा रखे हैं ऊपर के जो धातु थे उनको लेकर के कुछ एग्जाम्पल है, और देखें समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। सिंस द धातु सपोर्ट एंड डराइव एनर्जी, धातु सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को और एनर्जी देता है फ्रॉम ईच अदर, अफेक्टिंग वन कैन इन्फ्लुएंस द अदर, जो ये धातु हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो सब मिलकर के फिर हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई एक भी अफेक्ट हुआ तो दूसरे क्या कर जाएंगे, अफेक्ट कर जाएंगे, है ना। हमने ऊपर देखा यहां पर मज्जा अस्थि के अंदर है, अस्थि मैदा लुब्रिकेट कर रही है ना, तो ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस इंटरफेरेंस मतलब दखलंदाजी किसमें हो जाए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में अगर कोई दखलंदाजी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्वालिटी गिर जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, ब्लड में पाया जाता है ना प्लाज्मा, ठीक है। विच इन टर्न अफेक्ट द मसल, जो बदले में मसल को अफेक्ट करेगा। ईच टिश्यू टाइप हैज इट्स ओन अग्नि, हर एक टिश्यू की अपनी टाइप की अग्नि होती है। विच डिटरमाइंस द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द टिश्यू एंड फॉर्म्स बाय द प्रोडक्ट विच आर आइदर यूज्ड इन द बॉडी। अच्छा ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, इसको हटाना चाहता था मैं, हटाया नहीं यहाँ पर। तो सिंपल हमको क्या समझना है यहाँ पर, कि प्लाज्मा में अफेक्ट होने की वजह से ब्लड में अफेक्ट आएगा, क्वालिटी ऑफ ब्लड बिगड़ेगी तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे आते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल है ना, महावारी से कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक साइकिल जो गर्ल्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रस, रस का क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है। द टिश्यू आर आल्सो गवर्न्ड बाय द थ्री दोसास एंड एनी इंबैलेंस इन देम आल्सो कॉज इंबैलेंस इन धातु, ठीक है। तो हैवी पीरियड्स देयरफॉर कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ कफ ऑन प्लाज्मा, ठीक है, कफ का एक्सेस हो जाए प्लाज्मा में तो पीरियड्स जो होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बता रखी है, बातें बता रखी हैं कि किस तरीके से एक धातु दूसरी धातु को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, याद रह जाए तो अच्छी बात है, दोनों में से जो सिंपल लगे एक एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होता है, कवर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर है मलस, मलस तो पता ही है, मलस मैंने बताया था क्या, जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो मलस आर द वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड एंड द धातु प्रोड्यूस, वेस्ट होता है खाने का और धातु, टिश्यू, टिश्यू काम कर रहे हैं ना लगातार, सेल्स अपने अंदर से वेस्ट निकालेंगे, और धातु उसका प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नॉर्मल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिकल प्रोसेस, कब बनते हैं ये, जब बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, अपना नॉर्मल डाइजेशन और अपने कार्य कर रही होती है, तो वेस्ट निकलता रहता है, हम लोग दौड़ रहे हैं पसीना निकल रहा है, सेल अपना काम कर रही है, अंदर से वेस्ट निकाल रहा है, CO2 निकल रहा है बाहर, ठीक है ना। द थ्री प्राइमरी मलास बींग प्यूरिसा, फीसेस, मूत्र, यूरिन एंड श्वेदा स्वेट, तो आओ देख लें क्या है। आयुर्वेदा क्लियरली स्टेट, आयुर्वेदा क्लियर कट कहती है डेट ओनली अ बैलेंस कंडीशन, अगर कंडीशन बैलेंस होगी ऑफ दोसा धातु एंड मलस इज आरोग्य, अगर ये तीनों, जो दोसा पड़े हमने, धातु पड़े साथ और जो मलस पड़ा, अगर ये तीनों बैलेंस हो गए तो ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गुड हेल्थ और डिजीज फ्री कंडीशन, है ना, आरोग्य मतलब अच्छी हेल्थ और डिजीज फ्री कंडीशन। एंड देयर इम्बैलेंस इज द कॉज ऑफ इल हेल्थ और डिजीज, और जो उनका इम्बैलेंस है, हर एक चीज बैलेंस ना हो, किसको कितना होना है उतना ही होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इल हेल्थ, इल मतलब खराब, और डिजीज शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो आओ देखें जरा प्यूरिसा, इट इज अ वेस्ट लेफ्ट बैक आफ्टर न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये बात कर रहा है पॉटी की, सारा निचोड़ लिया गया है, जो बच गया है वो क्या बच गया है, प्यूरिसा बच गया है। व्हाइल वाटर एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बचा हुआ हमारा खाना होता है जो पूरी तरीके से लिक्विड में बदल नहीं पाता है, वेस्ट लगे उसके अंदर सारा खींच लिया गया ना, तो उसके अंदर से पानी और साल्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में खींचा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाएगा। द रेसिड्यू मतलब जो चीज़ बच गई है, नाउ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फीसेस, अब उसको सॉलिड फीसेस में
कन्वर्ट कर दिया जाता है। लीव द बॉडी, जो फाइनली बॉडी को लीव करेगी, छोड़ेगी। द कंसिस्टेंसी ऑफ द फीसेस डिपेंड बोथ ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी एंड नेचर ऑफ डाइट। लगातार पॉटी आते रहे रोज सवेरे, या जो लोग दो बार जाते हैं उनको दो बार आती रहे, ऐसा कब पॉसिबल है? अगर हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, हमारे पेट की जो मोशंस हैं वो लगातार बने रहे और हमारा नेचर ऑफ डाइट सही रहे। अब लोग क्या करते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, भूख लगी समोसा खा लिया, रोटी खा नहीं रहे, या कुछ भी बाहर का चिप्स खा लिए। तो जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, एक्चुअली खाने में फाइबर्स होते हैं, पढ़ चुके हैं ना हम लोग फाइबर के बारे में, वो फाइबर बहुत जरूरी होते हैं और ये इन तली भुनी चीजों से फाइबर हमको नहीं मिलते हैं। आगे आए त्रयदोषा या त्रिदोषास, मस्ट बी इन बैलेंस, त्रिदोषा को बैलेंस में होना चाहिए टू इंश्योर नॉर्मल एवैक्यूएशन। एवैक्यूएशन मतलब कि चीज को खाली करवाना, है ना, जो फीसेस या हमारी बॉडी का वेस्ट है वो नॉर्मली एवैक्यूएट हो जाए, आसानी से हो जाए। पॉटी आ रही है, बहुत ताकत लग रही है ना, कई लोगों को बहुत टाइट हो जाता है, वो दिक्कत वाली बात है, तो वो गड़बड़ है। तो कह रहा है मस्ट बी इन बैलेंस टू इंश्योर नॉर्मल एवैक्यूएशन, जो एवैक्यूएशन हो निकले तो वो नॉर्मल हो। पिता एंड कफा हेल्प डाइजेशन एंड वाता गवर्न्स द मोबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। पित्त और कफ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वत जो है वो गवर्न करता है, बताता है या कंट्रोल करता है मोबिलिटी, मोशन को, कि पूरे प्रोसेस के दौरान वो आराम से मूव करे, लेके जाए। एनी डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसीज मतलब गड़बड़ी, और इम्बैलेंस बिटवीन दीज, इनके बीच में कफ पित्त और वाता के बीच में कोई गड़बड़ी हो जाए, दिस कैन लीड टू वेरियस सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल हैवीनेस। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर ये फीसेस प्रॉपर बाहर नहीं आएंगे तो पेट में क्या आएगा, भारी बना जाएगा, और पेन हो चुका है, हो सकता है फ्लैचुलेंस, मैंने बताया था गैस बनेगी, पाद आएगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। इट मे ऑल्सो गिव राइज टू डिजीज एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। सोचो इनकी वजह से पेट गड़बड़ है, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकती है, अब सोचो जरा इस बात को। ऑस्टियोआर्थराइटिस, लो बैक पेन, पीठ का पेन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, एज वेल एज स्टमक अल्सर्स एंड इरिटेट बाउल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जब बाउल्स होंगे तो जलन होगी, दर्द होगा, इस टाइप से, यानी कि सोचो हमारा पेट गड़बड़ है तो तमाम बीमारियां हमसे जुड़ सकती हैं। हाँ, ये बात हम सब लोग जानते हैं, है ना। ये बात होगी प्यूरिसा की, बात करें मूत्रा की। मूत्र इज डिराइव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा ठीक है, ये तो कॉमन लाइन होगी ना, मूत्र कब बनता है, जब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही होती है, किडनी बनाते हैं, ये सब जनरल बातें लिख सकते हो। आगे आते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बिगिंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फ्लूइड्स आर एब्जॉर्ब इन टू द सिस्टम। ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले जो पानी होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर पानी आएगा कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है, तो सबसे पहला प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से। द एंटायर यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। यूरिन के फॉर्मेशन, एलिमिनेशन में, रेगुलेशन में, एंड फ्लूइड बैलेंस इन अवर बॉडी, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। तो ये देखो, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, किडनी के बारे में पढ़ा था। तो किडनी होती है वो क्या क्या काम करती हैं, यूरिन के फॉर्मेशन निकालना, रेगुलेट करना, फ्लूइड का बैलेंस करना, है ना। अगर पानी की कमी है शरीर में तो उसको रिटेन करेगी, पानी ज़्यादा है तो बाहर निकालेगी, बीपी को मेंटेन करता है, कौन करता है, ये किडनी, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया यहाँ पर, मतलब देखा जाए तो हम दो दो पार्टों को जोड़ रहे हैं, मतलब आयुर्वेदा को हम लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर करोगे काम तो ये टफ नहीं लगेगा। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, एनी इम्बैलेंस ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड यूरिन मे रिजल्ट इन डिसऑर्डर। अगर यूरिन बढ़ जाए या घट जाए तो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, सच एज किडनी स्टोन, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन, मतलब किडनी स्टोन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ कॉमा लगा लेना। देन सिस्टाइटिस, गांठें हो सकती हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, और ब्लैडर डिसऑर्डर, हमारा जो ब्लैडर है जो यूरिन को स्टोर करता है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ, किडनी ने सारा काम कर दिया, लिख दोगे इसको। स्वेदा, पसीना, थर्ड प्राइमरी माला, एंड इट ऑकर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ मेदा धातु, फैटी टिश्यूज, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सिंथेसिस, जब फैट की सिंथेसिस होती है तब उस समय क्या होता है, ये बनता है। एलिमिनेटेड थ्रू स्किन पोर्स, कहाँ से निकलता है ये, एलिमिनेट होना मतलब निकलता है थ्रू स्किन पोर, स्किन के जो छेद होते हैं उनसे बाहर निकलता है।
इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हम सबको पता है पसीने से हमारा शरीर ठंडा होता है ना, शरीर में जो गर्मी होती है पसीना उस गर्मी को लेके उड़ जाता है तो नीचे पीछे क्या बचता है, ठंडक बचती है। एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बॉडी में जो नमक वगैरह होता है पसीना कैसा होता है, खट्टा नमकीन होता है, खट्टा नहीं सॉरी कैसा होता है नमकीन होता है, तो उसको भी क्या करता है वो कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा होगा तो उसको लेके बाहर आ जाएगा। द चैनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द स्वेट टू स्किन सर्फेस आर नोन एज स्वेदावहा स्रोतास, स्रोत होते हैं स्रोत, ठीक है, जो चैनल इस स्वेदा को स्वीट को पसीने लेके बाहर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्वेदावहा स्रोतास कहा जाता है। इट इज इसेंशियल डैट, ये जरूरी है डैट नॉर्मल फॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ स्वेट, पसीने का नॉर्मल बनना और फ्लो होना बहुत जरूरी है, टेक प्लेस एज अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होगा इट मे लीड टू, ये कॉज करेगा स्किन इन्फेक्शन, इचिंग खुजली होगी, बर्निंग सेंसेशन जलन हो सकती है ओवर द बॉडी, लॉस ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड रिड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर, लॉस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस का लॉस होगा और रिड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो पसीने के भी अपने रोल हैं, अब ये सब तो हमको पता ही था, अगर देखा जाए अगर सही से पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब पता था हमें, केवल दो तीन बातें समझनी थी कि फैट टिश्यू को होता है, ठीक है, इसके फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ मैदा धातु, फैट टिश्यू बनने के दौरान क्या होता है, ये बनती है, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से बात चल रही है। अब ये मत कहना सर हमने दौड़ते तो पसीना आने लगता है हमको, फैट बर्निंग में काम आता है, अकॉर्डिंग क्या चल रहे हैं हम लोग, आयुर्वेदा चल रहे हैं अभी, ठीक है। और इसकी अभी अपने आप में ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग केवल प्रिंसिपल और जनरल बातें कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, आगे आते हैं। नाउ फिफ्थ इज द त्रिगुना, है ना, त्रिगुना की बात करें, त्रिगुना मतलब हो गया तीन गुण, कौन कौन से हैं, सत्व राजस एंड तामस, सुना होगा राजस्वी भोग या तामसी बुद्धि, इस तरह से बातें कभी सुनी होंगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहां समझते हैं, इनको नहीं पता है, दीज आर द थ्री इसेंशियल कॉम्पोनेंट और एनर्जीज, इसको एनर्जी से कोलेट किया गया ऑफ द माइंड, इसको माइंड की एनर्जी से कोलेट किया गया है, दिमाग की ताकत होती है ये। आयुर्वेदा प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मानसा, मानसा मतलब मानस, मन से निकला मानस, साइकोलॉजिकल, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, आयुर्वेदा ने इन तीन के हिसाब से, अगर किसी के कोई किसी को कहता है कि ये आदमी सात्विक है, ये आदमी राजस्विक है, ये आदमी तामसिक है, तो उसके हिसाब से क्या कहना चाहती है आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा उसकी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहती है, जैसे कि मनसा प्रकृति, उसका साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति कैसी होगी, जेनेटिकली डिटरमाइंड दीज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव डोमिनेंस ऑफ द थ्री गुनास, कह रहा है जेनेटिकली डिटरमाइंड, ये एक्चुअली कैसी होती हैं, ये चीज़ें जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं, ये जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर हैं ये डिपेंड करती हैं डोमिनेंस, इन तीनों में से कौन सी चीज़ इंसान के ऊपर भारी पड़ रही है। द साइक इज ऑफ थ्री टाइप, प्योर सात्व राजस एंड तामस, चलो तीन टाइप की हमारी साइकोलॉजी होती है, प्योर सात्व राजस एंड तामस, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, तीन टाइप की क्या होती हैं साइकोलॉजी होती है अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, देखें जरा, वाइल ऑल इंडिविजुअल हैज मिक्सड अमाउंट ऑफ द थ्री, ऐसा नहीं कि एक के अंदर एक ही रहेगा, मिक्सड अमाउंट हो सकता है ना, द प्रीडोमिनेंट गुना डिटरमाइन एन इंडिविजुअल मन से प्रकृति, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगी जिसके अंदर उसके हिसाब से हम कहेंगे कि उसकी प्रवृत्ति वैसी है। इन इक्विलिब्रियम द थ्री गुनास प्रिजर्व द माइंड, अगर इक्विलिब्रियम रहेगा तो माइंड को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक करके रखता है, एंड इनडायरेक्टली बॉडी, और दिमाग ठीक रहेगा तो बॉडी ठीक रहेगी, मेंटेनिंग इट इन अ हेल्दी स्टेट, ठीक है, किसको बॉडी को मेंटेन करती है हेल्दी स्टेट में, एनी डिस्टर्बेंस इन दिस इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इस इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा तो बॉडी के अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो कह रहा है सात्व या सात्विक कैरेक्टराइज बाय लाइटनेस कॉन्सियसनेस चेतन होगा प्लेजर एंड क्लैरिटी इज प्योर फ्री फ्रॉम डिजीज एंड कैन नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी वे, सात्विक इंसान जिसे हम लोग कहते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो कह लो कि हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो कह लो कि ज्ञानी पुरुष हैं एक तरह से, उनको हम सात्विक कहते हैं, ठीक है, कि वो लाइटनेस नॉर्मल है, हल्के हैं, कॉन्शियस चेतन है, हर एक चीज़ को कॉन्शियसली सोचते हैं, प्लेजर एंड क्लैरिटी खुश रहेंगे और क्लियर होते हैं अपनी चीज़ों में,
प्योर होते हैं, उनकी क्लैरिटी प्योर होती है, फ्री फ्रॉम डिजीज, कोई बीमारी नहीं होती है, एंड कैन नॉट डिस्टर्ब इन एनी वे। उनको खुशी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देगी, गम बहुत ज़्यादा गम, मतलब गम से खुशी से दूर होते हैं, उनके लिए हर सिचुएशन नॉर्मल जैसी होती है। इट एक्टिवेट द सेंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ नॉलेज। ये हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करती हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए जो हमारा परसेप्शन है उसके लिए हमको क्या करती है, एक बहुत ही ज़्यादा जागरूक बना देती है। राजस की, मतलब सात्विक इंसान को सबसे ज़्यादा अगर मेंटल वाइज बात करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। राजस द मोस्ट एक्टिव ऑफ द गुनास, गुनास में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, हैज मोशंस एंड स्टिमुलेशन एज इट कैरेक्टरिस्टिक्स। मोशन और स्टिमुलेशन, उत्तेजना और मोशन, गतिमान, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल डिजायर्स विशेष एम्बिशन फिकल माइंडनेस आर द रिजल्ट ऑफ द सेम। हमारी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, हमारी जो एम्बिशंस हैं, जो हम बनना चाहते हैं, फिकल माइंडेडनेस, किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, ठीक है ना, ये सब अगर राजस वाला पार्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं उनको राजस्वी कहा गया है। तामस कैरेक्टराइज बाय हैवीनेस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस हमने बताया ना, इम्यूनिटी का विरोध करेगा और भारीपन। इट प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। ये हमारी बॉडी के परसीव करने है ना, मान लो परसीव करने की क्षमता को और प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, माइंड की एक्टिविटी और उसके परसेप्शन की, हमें किसी चीज़ को कैसे लेना है, कोई चीज़ सामने गुजर रही है तो वो गुजर रही है, अब उड़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उड़ रही है, तो हमारा दिमाग उसको कैसे ले रहा है उसके ऊपर अफेक्ट डालती है। डिल्यूजन, मैंने कहा ना, फॉल्स नॉलेज, लेजीनेस, एपैथी, एपैथी मतलब लेजीनेस में आता है, स्लीप एंड ड्रॉजीनेस आर ड्यू टू इट। यानी कि कोई चीज़ सामने चल रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं वो उड़ रही है, मेरा दिमाग ऐसा देख रहा है उसको, यानी कि जिसके अंदर ये आ जाएगा ज़्यादा तो उसके अंदर डिल्यूजन, भ्रम पैदा होगा, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, सोएगा ज़्यादा, ठीक है ना, ये सब किसकी वजह से होता है, तामसिक, जो लोग तामसिक होते हैं। बात समझ में आई? तो देखो आगे क्या कह रहा है, राजस एंड तामस एज विद द दोसास कैन बी अनबैलेंस्ड बाय स्ट्रेस। दोसा के साथ ये कब अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंड नेगेटिव डिजायर्स एज कामा। नेगेटिव डिजायर क्या, कामा लस्ट, हर समय सेक्स के बारे में सोचना, ईर्ष्या, जलन भावना, मैलिस, मोह, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। मोह, मोह क्या यार, पैसा मिल जाए, डिल्यूजन है ना, भ्रम है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, भ्रम में मत रहो, काम करो, अपने आप आ जाएगा पैसा। लोभ, ग्रीड, चिंता, एंजाइटी, भय, फियर एंड क्रोध, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाती हैं। ईच ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ सब टाइप्स एंड द पर्टिकुलर सब टाइप्स टू विच वन बिलोंग्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कह रहा है हर एक जो तीनों टाइप की प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर सब टाइप भी होती हैं, ठीक है, एंड द पर्टिकुलर सब टाइप टू विच वन बिलोंग्स, और उस सब टाइप में कौन किसको बिलोंग कर रहा है डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंसान की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सात्विक इंडिविजुअल्स आर यूजली नोबल एंड स्पिरिचुअल। हम लोग कहते हैं इसको सिद्ध पुरुष, सबसे अच्छे इंसान की क्वालिटी सात्विक होती है इन कैरेक्टर वाइज। देयर नेचर डिटरमाइंड एज मच एज बॉडी टाइप एज देयर स्टार कॉन्स्टिलेशन हैविंग एन एलिमेंट ऑफ कफ इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, ये लोग नोबल होते हैं, देयर नेचर डिटरमाइंड एज मच एज बाय बॉडी टाइप एज देयर स्टार कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना। तो सात्विक इंडिविजुअल आर यूजली नोबल एंड स्पिरिचुअल, ये नोबल एंड स्पिरिचुअल होते हैं इन कैरेक्टर, कैरेक्टराइज कैसे हैं, ये नोबल और स्पिरिचुअल है, उनका जो नेचर है डिटरमाइंड है, उनका नेचर डिटरमाइंड किया जाता है एज मच बाय बॉडी टाइप, उनका जो बॉडी टाइप होती है एज देयर स्टार कॉन्स्टिलेशन, है ना, स्टार कॉन्स्टिलेशन मतलब जो ग्रह नक्षत्र जो बात करें अगर उनकी हम, हैविंग एन एलिमेंट ऑफ कफ, ठीक है, कफ के एलिमेंट होते हैं इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अंदर जो उनकी बनावट होती है, उनका जो स्टार कॉन्स्टिलेशन के अंदर उसमें कौन है, कफ का रोल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। आगे आते हैं द त्रयोदश अग्नि। अब यहां बात चलने वाली है अग्नि की, ठीक है, अग्नि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो आओ देखें क्या है, द बायोलॉजिकल फायर दैट गवर्न्स मेटाबॉलिज्म। हमारी जो बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे अंदर की अग्नि है, फायर है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करती है, ठीक है, इन कंपासेस कवर करती है ऑल द चेंजेस इन बॉडी, हमारी बॉडी जो भी चेंजेस हो रहे हैं और माइंड में, फ्रॉम डेंस टू मोर सबटल,
जो बहुत डेंस, बहुत जटिल से जटिल और सबटल, मतलब सूक्ष्म, छोटे से छोटा और जटिल से जटिल, हर एक टाइप के मेटाबॉलिज्म को कौन कवर करता है? ये सारे चेंजेस को कौन कवर करती है? अग्नि। सच चेंजेस इंक्लूड द, क्या क्या है उस चेंजेस में? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, डाइजेशन पाचन क्रिया, फूड को एब्जॉर्ब करना, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्स में अगर कोई चीज चेंजेस आ रहे हैं, एजिमुलेशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन, हम लोग किसी चीज को सामने से कैसे सेंस कर रहे हैं, एंड मेंटल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, हमारे मेंटल और इमोशनल एक्सपीरियंस कैसे हैं, इन सब चीजों के कौन कंट्रोल करते हैं? ये अग्नि हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। तो साफ साफ लिखा हुआ है द बायोलॉजिकल फायर डेट गवर्न्स मेटाबॉलिज्म, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को गवर्न करती है कि कैसा होगा हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनकम्पासेस, इनकम्पास मतलब कवर करती है सबको, ऑल चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड फ्रॉम डेंस, जटिल से जटिल लेकर के सूक्ष्म सूक्ष्म। अब उसके कुछ एग्जाम्पल दिए उसने, सच एज, क्या दे दिए उसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए, फिर क्या कह रहा है, अग्नि देयरफॉर कवर होल सीक्वेंस ऑफ केमिकल इंटरेक्शन एंड चेंजेस इन द बॉडी, अग्नि हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं और चेंजेस है उसको कवर करती है, बॉडी और माइंड के दोनों की। डाइजेस्टिव एबिलिटी बीइंग रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ अग्नि, हमारी डाइजेस्टिव क्षमताएं हैं, ठीक है, कि पाचन क्रिया बहुत अच्छा है या खराब है, वो किससे कोरिलेटेड है? अग्नि से। आगे आते हैं, अग्नि एंड पित्त आर क्लोजली कनेक्टेड, अग्नि और पित्त काफी क्लोजली क्या है, कनेक्टेड है आपस में। वाइल बोथ आर हॉट एंड लाइट, अग्नि इज सबटल, दोनों कैसी हैं? हॉट है और हल्की है। अग्नि इज सबटल एंड ड्राई, जो अग्नि होती है वो सूक्ष्म होती है और सूखी है, ड्राई। अब ये भाषा थोड़ी सी क्या है, आयुर्वेद की है, अग्नि ऑब्वियसली बात है, अग्नि को छुओगे तो गीली तो होती नहीं है, तो ड्राई। द हीट एनर्जी टू हेल्प डाइजेशन कंटेंट बाय पित्त इज अग्नि, जो हीट एनर्जी डाइजेशन के लिए पाई जाती है पित्त के अंदर उसको अग्नि कहा जाता है। पित्त इज देयरफॉर द कंटेनर एंड अग्नि इज द कंटेंट, इसीलिए कहा जाता है पित्त वो बर्तन है जिसके अंदर अग्नि रहती है। पित्त इज देयरफॉर द कंटेनर एंड अग्नि द कंटेंट, अग्नि क्या है उसका कंटेंट है। अग्नि इज एसिडिक इन नेचर, अग्नि को एसिडिक कहा गया है। एंड स्टिमुलेट डाइजेशन, ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, बढ़ावा देती है। इट इज सबटली, सबटली मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, रिलेटेड टू देयर टू द मूवमेंट ऑफ वत, बहुत छोटे तौर पे वत से रिलेटेड है। इन एवरी टिश्यू एंड सेल अग्नि इज प्रेजेंट एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन एंड ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, हर एक सेल्स और टिश्यू में अग्नि मौजूद है और ये जरूरी है न्यूट्रिशन के लिए और ऑटो इम्यून मैकेनिज्म के लिए, यानी कि अपना सेल्फ डिफेंस के लिए। बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरन बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन इन द स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन, तो क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम में कैसे काम करती है ये अग्नि, डिस्ट्रॉय करती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉरन बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नहीं, जो बाहरी बैक्टीरिया उनको मार देगी। टॉक्सिन इन द स्टमक, स्टमक में कोई टॉक्सिन है तो उसको हटा देगी, कौन करती है? अग्नि करती है। अब आगे क्या कह रही है, अ बैलेंस्ड अग्नि देयरफॉर इज वाइटल फॉर हेल्थ, एक अग्नि बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, हमारी वाइटल फॉर हेल्थ बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज एंड ऑल्सो इट्स फिजिकल स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स हीट एनर्जी, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, रेजिस्ट द डिजीज एंड ऑल्सो इट्स फिजिकल स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स हीट एनर्जी, हमारी बॉडी की जो रोग से लड़ने की क्षमता है और जो हमारी क्षमता है दौड़ भाग करने की, जो स्टेमिना है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, एनर्जी से, हीट एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द टू इट्स हीट एनर्जी, जो डिटरमाइन करती है मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली कर क्या आ रही है, जितनी अच्छी मेटाबॉलिज्म होगी, रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर, उतना हम फिट रहेंगे। डिस्टर्बेंसेस ऑफ अग्नि आर यूजली द चीफ कॉज ऑफ डिजीज, सबसे ज्यादा अगर अग्नि में डिस्टर्बेंस हो जाए तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण वही होती है। एज पर आयुर्वेदा देयर आर 13 टाइप्स ऑफ अग्नि, कितनी टाइप की अग्नि है, 13 टाइप की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज जठराग्नि द गैस्ट्रिक फायर, जठराग्नि कहाँ पाई जाएगी, पेट की गर्मी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ईटन बाय द कोरिलेटिंग हाइड्रोक्लोरिक, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इसको हटा देंगे, कोरिलेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, ये किसको कोरिलेट करती है, किससे मैच खाएगी, ये जो हमारी बॉडी का HCl है उससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं।
एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड जूसेस सीक्रेटेड इनटू द स्टमक, ठीक है। और किससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको हम लोग, अग्नि को? डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो कि फ्लूड आकर के खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और वो फ्लूड कहाँ कहाँ पर आता है? स्टमक में, डियोडेनम में आएगा। डियोडेनम पता ना, स्टमक के आगे वाला भाग होता है। और छोटी आंत में, छोटी आंत में जो भी एंजाइम पाए जाएंगे, जूस पाए जाएंगे, ठीक है, उन सबको हम लोग इससे कोलेट कर सकते हैं। इफ डाइजेस्टिव अग्नि इज लो एंड द कैपेसिटी इज इम्पेयर्ड, और कैपेसिटी क्या हो जाए? इम्पेयर्ड हो जाए, यानी कि कैपेसिटी उसकी बिगड़ जाए। वन में एक्सपीरियंस पेन, अगर ऐसा होता है वो डाइजेस्टिव अग्नि बिगड़ जाए या कम ज़्यादा हो जाए, तो पेट में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, अनइजीनेस लगेगा, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, भारीपन लगेगा, गैस गर्गलिंग, गैस गड़गड़ करने लग स्टार्ट करती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लूज स्टूल, पतली टट्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखना, जठराग्नि गैस्ट्रिक फायर को कहते हैं। अब उससे लेकर के जितनी भी दिक्कतें हैं खुद मन से बना के लिख सकते हो, ठीक है, आगे आते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ अग्नि की। टाइप्स ऑफ अग्नि कौन कौन है? जठराग्नि और कोष्ठाग्नि और पाचक अग्नि, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। किसके लिए होती है ये? फॉर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। तो आओ देखे जा रहा, इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पाई जाती है ये? लोकेटेड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे जो पेट से लेकर के आंतों तक के बीच है वहाँ पाई जाएगी ये। एंड परफॉर्म द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करवाती है। फूड कंज्यूम्ड विल नॉट प्रोवाइड गुड हेल्थ अनलेस इट इज डाइजेस्टेड प्रॉपरली। फूड जो हमने खाया है वो तब तक एनर्जी नहीं देगा जब तक कि वो अच्छे से पचेगा नहीं। इवन इफ द फूड इज ऑफ हाई क्वालिटी, अगर फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का और प्योर भी है, इट विल बी हार्मफुल टू बॉडी इफ इट इज नॉट फुली डाइजेस्टेड। हम लोग सेब खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, अगर वो पचेगा नहीं तो शरीर को नुकसान देगा, इसीलिए हमेशा चबा चबा कर अच्छे से खाना चाहिए, ठीक है। द जठराग्नि रिप्रेजेंट ऑल द एंजाइम्स एंड केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन और पोर्ट इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कह रहा है जठराग्नि जो अग्नि है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? सारे के सारे एंजाइम्स को, केमिकल्स को, प्रोड्यूस्ड इन जो बनते हैं या पोर किए जाते हैं, पोर मतलब जैसे कि जो एंजाइम्स हमारे उससे पैंक्रियास से क्रो दिया जाता है इंटेस्टाइन में, तो पोर मतलब क्रो देना है ना, एक गिलास पानी को क्रो देना। इन द जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जठराग्नि इज कंसिडर्ड एज द मास्टर अग्नि, इसको सबसे बड़ी अग्नि कहा जाता है। इट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर अग्निज बिसाइड्स इट्स ओन फंक्शन, ये बाकी अग्नि की भी फंक्शन कंट्रोल करती है और अपनी अग्नि को भी, अपने को भी कंट्रोल करती है। देन बात करते हैं धत्वाग्नि, ठीक है ना, सेवन टाइप्स फॉर स्पेसिफिक टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये सात टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन सी है? रस धातु न्यूट्रिएंट फ्लूइड, इसे रस अग्नि कहा जाता है। रक्त धातु रक्त अग्नि कहा जाता है। मांस धातु के लिए मांस अग्नि, मेधा धातु के लिए मेधो अग्नि, अस्थि धातु के लिए अस्थि अग्नि, मज्जा धातु के लिए मज्जा अग्नि, और शुक्र धातु के लिए, ठीक है ना, शुक्र अग्नि। हम तो ये मानना है कि कुछ ना कुछ खास टाइप की अग्नि होती है जो इन सबको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, है ना, एक तरह से गर्मी की बात की जाती है कि शरीर में कुछ गर्मियां होती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। क्लियर है बातें? नाउ सेवन धातुस अग्निस आर, क्या कह रहा है ये? अब सेवन धातुस अग्निस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, जो सेवन धातु की अग्नि है वो टिश्यू के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बनाती है उनको। एंड पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक टिश्यू मेटाबॉलिज्म, और किसी खास मेटाबॉलिज्म में क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं जो उस टिश्यू की होती हैं। द धत्व अग्नि रिप्रेजेंट द एंटायर रेंज ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस फंक्शनिंग इन द रेस्पेक्टिव टिश्यू, जितनी भी एनाबॉलिक यानी कि जो बनना, एनाबॉलिक मतलब कोई चीज़ बनना, बनाना कोई चीज़ जो बनती है बॉडी के अंदर केमिकल कंपाउंड, उसके लिए जो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है वो ये धातु की अग्नि होती है। बात समझ में आई? देन भूता अग्नि, भूता के अंदर पाई जाती है फाइव भूताग्निस आर फाइन एंड सप्लर अग्नि, बहुत ही कम और सूक्ष्म होती हैं, लोकेटेड इन द फाइव महाभूत महाभूतास, ये कहाँ पाई जाती हैं? फाइव महाभूतास में, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पांच महाभूता के अंदर पांच अग्नि, सात टिशु धातु के अंदर सात अग्नि, सात पांच बारह और एक जठराग्नि अपनी तेरह हो गई। दीज अग्निज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, एंड हेल्प इन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सिंथेसिस हो रही है, मटेरियल बन रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज रिप्रेजेंट द
कैटाबॉलिक प्रोसेस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो कैटाबॉलिक तोड़फोड़, यहां ये बना रही है और ये क्या कर रही है, तोड़फोड़। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जठराग्नि इज द मोस्ट बेसिक ऑफ अग्नि, सबसे बेसिक जठराग्नि इज द मोस्ट बेसिक ऑफ अग्नि, सभी अग्नियों में से सबसे बेसिक अग्नि है। आफ्टर इट्स एक्शन ऑन फूड, जब तक ये फूड पे एक्शन नहीं करेगी या फूड पे एक्शन करने के बाद इट टर्न्स इनटू आहार रस, जब खाने के ऊपर जठराग्नि अपना काम कर देती है तो फूड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आहार रस। आहार हिंदी का वर्ड है ना, हम लोग कहते हैं ना आहार, जो खाना होता है तो खाने को रस में बदल देती है। देन भूत अग्नि वर्क, उसके बाद कौन काम करेगा, भूत अग्नि ऑन इट एज कैटाबॉलिक प्रोसेस इनसाइड द वेरियस टिश्यूज, तोड़ने का काम करेगी, जो केमिकल हमने मतलब खाना खाया उसके अंदर जो बड़े बड़े केमिकल्स हैं उनको तोड़ेगी, है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में लेके आएगी, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में लेके आएगी, तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, एंड धात्व अग्नि वर्क ऑन इट एनाबॉलिक प्रोसेस। फाइनली देखो क्या होता है, अगर मैं तुमको बताऊं, हम लोग जो चपाती खाते हैं, क्या खाते हैं, चपाती, चपाती के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये टूट करके किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फाइनली जितनी हमको जरूरत थी ग्लूकोज हमने उतना इस्तेमाल कर लिया, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाके बॉडी में स्टोर होना है, क्यों, खाना खाया था सुबह, दो तीन घंटे में काम खत्म हुआ, ग्लूकोज सारा एब्जॉर्ब हो गया, अब मान लो बाकी ग्लूकोज वेस्ट होकर निकल जाएगा, अब तुम जा रहे हो किसी गली में, कुत्ता पड़ गया पीछे, तो तुम दौड़ोगे तो एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज से आएगी, तो ये ग्लूकोज जाकर के हमारी बॉडी में लीवर सेल्स के अंदर जाकर के ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ये ग्लाइकोजेन जब जरूरत पड़ेगी तो वापस से किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में, और यहां से हमको क्या मिलेगी, फिर एनर्जी मिलती है, वापस से हमको क्या मिल जाएगी, एनर्जी। और ये ग्लाइकोजेन जब बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, खाए जा रहे हो, दौड़ भाग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो ये आगे जाके फिर कहां बदलता है, फैट में बदल जाएगा, वो कहानी अलग है हमारे पास। ठीक है, तो कैटाबॉलिक यहां से यहां क्या हुआ, ये हुआ कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक ये क्या हुआ, एनाबॉलिक, ये क्या हो गया, एनाबॉलिक हो गया। ठीक है, टुगेदर दीज अग्निस वर्क एज अ कंप्लीट मेटाबॉलिज्म गोइंग इन अवर बॉडी, आपस में मिलकर के ये जो अग्नि होती है एक पूरा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम रहा है, थोड़ी सी आवाज़ की वगैरह प्रॉब्लम रही हो तो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि एक दो दिन और लग जाएगा मेरे को गले का इन्फेक्शन ठीक होने में शायद। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें, और अब गले का इन्फेक्शन ठीक रहा तो रोज़ एक एक दो दो लेक्चर में डालता रहूँगा, जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आप लोगों का सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है ना, सारा सिलेबस मतलब कोग्नोसी का, मैंने दो की बातें करी थी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की और कोग्नोसी की, तो कोशिश करूंगा जितना मैंने कहा है उतना मैं पूरा कर दूं। ठीक है ना, तो क्या करना है पता है, अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।